से जैसा कि आपने बताया कि किस उम्र के लोगों में ही ज़्यादा होता है, आपने कहा कि टीनेज में इसका ज़्यादा रिस्क होता है एंड आफ्टर 40 इसका बहुत कम रिस्क हो जाता है, तो सर फैमिली के लिए या पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज है आपका कि अगर वो कौन सी अलामत हैं वो अपने बच्चे में देखें तो उनका बच्चा इस चीज़ से बच जाए, फर्दर प्रिवेंटिव साइड पर अगर हम देखें तो मैं इसको आई जस्ट बिल्ड ऑन दैट क्वेश्चन। जब लोग तेज़ी में होते हैं, जब जब वोल्टेज बहुत ज़्यादा होती है बल्ब में, तो वो मरीज़ को नज़र नहीं आता, वो तो समझता है कि वो दुनिया का वो बादशाह है, इस वक्त ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड है, तो उसको लैक ऑफ इनसाइट कहते हैं, तो वो अपने आप को कभी बीमार नहीं समझेगा। बट पीपल अराउंड देम हु नो दैट पर्सन वेल कैन सी द चेंजेस। सो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप रिलेटिव से बात करें, केयरर से बात करें, उसका पर्सपेक्टिव लें, और फिर हम रिलेटिव्स को एजुकेट करते हैं कि भाई ये अगर दोबारा होगा तो ये रिलैप्स सिग्नेचर है। उसको हम सिग्नेचर इसलिए कहते हैं कि रिलैप्सेस ब्रीड ट्रू, वो सही नींद खराब उनका एक पैटर्न है जो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो एक तो मरीज़ को एजुकेट करें, डिप्रेस जब होगा वो आपको खुद ही बता देगा बिकॉज वो इतनी मिजरी में होता है, तेज़ी वाला नहीं बताएगा, उसके आसपास के लोग बताएंगे। सो यू कैन इन्वॉल्व अदर पीपल इन 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 द रिकग्निशन मैनेजमेंट ट्रीटमेंट ऑफ बाइपोलर इलनेस एंड दैट इज़ एब्सोल्युटली वाइटल। तो यंग लोगों में तो होता ही है, लोग कहते हैं ही इज जस्ट एन एक्साइटेबल यंग मैन, सो इट शुड नॉट बी लेफ्ट एट दैट, यू नो। तो दूसरा है कि दुनिया बहुत तरक्की कर गई, जैसे इंग्लैंड में आते हैं लोग कि जी मुझे बाइपोलर इलनेस है, उसने सारा उन्होंने सब इंटरनेट से हर चीज़ निकाली होती है जी। तो कोई भी बीमारी हो उसके बारे में जानने की कोशिश करें, अल्लाह ने अकल फहम तालीम टेक्नोलॉजी सब चीज़ दी है, तो गो एंड गूगल दीज थिंग्स। एज एन अरब पेशेंट ऑफ माइन इन हार्ले स्ट्रीट सेड, ओ आई हैव टॉक्ड टू शेख गूगल एंड ही थिंक्स दैट I might have bipolar illness.